हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ लॉरियल पेरिस कैरेमल ब्राउन हाइलाइटर नंबर 6। अगर आपके नेचुरल डार्क हेयर है तो उनके लिए हाइलाइटर बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, ये न्यू विथ एक्सपर्ट ब्रश के साथ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलेंस फैशन हाइलाइटर, अल्ट्रा ग्लैमरस हाइलाइटर फॉर द फैशनेबल हेयर। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ग्लैमरस लगे, बहुत अच्छे से हाईलाइट हो और फैशनेबल हेयर लगे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वीडियो को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इससे मैंने अपने पर्सनली अपने खुद के पैसे से मैंने इसे परचेस किया है। मुझे अच्छा लगा है, ऑलरेडी मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ बहुत पहले, मतलब 8 महीने पहले मैंने इसे अपने बालों को हाईलाइट किया था। तो अभी फिर से मुझे ज़रूरत है अपने बालों को हाईलाइट करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका रिव्यू किया जाए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसे आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं कि रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे प्रेस करें। उसके बाजू में आपको बेल आइकन दिख जाएगा, उसे प्रेस करें ताकि आपको आसानी से मेरी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर का ये प्लास्टिक निकाल देती हूँ। ऊपर का जो प्लास्टिक लगा होता है उसे निकाल दिया है। एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे आपको बॉक्स में सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पर यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लग रहा है इसकी पैकेजिंग। एंड फ्रेंड्स, मैंने इसे परचेस किया है 350 रुपीज़ में। मैंने जब इसे 8 मंथ पहले भी परचेस किया था तब भी इसकी प्राइस 350 थी, तो आज भी इसकी प्राइस 350 है। इसका टोटल नेट कंटेंट है 29 ml प्लस 16 ग्राम्स। एंड इसका सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 18 to 21, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। पर ये वन यूज़ है, आप इसे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंस फैशन हाइलाइटर लॉरियल पेरिस इंट्रोड्यूस द डू इट योर सेल्फ हाईलाइट किट फॉर नेचुरल डार्क हेयर। अगर आपके पास आपका बाल नेचुरल डार्क है तो आप इसे प्लीज़ यूज़ करें, आपके बाल बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे खुद के बाल नेचुरल डार्क हेयर है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करता है। तो मैं आपको अपने बालों का टेक्सचर बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखा दूँगी। इसे करने के बाद आपको एक एक्सपर्ट ब्रश मिल जाएगा जिससे आप हाईलाइट करेंगे, एंड आपको एक कलरिंग क्रीम मिलेगा, और आपको उसके साथ एक कंडीशनर मिलेगा ताकि कलर करने के बाद आपके बाल प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए आपको एक कंडीशनर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि आप अपने बालों को घर पे ही हाईलाइट कर सकते हैं बिना पार्लर जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद से ही अपने बालों को हाईलाइट करती हूँ घर पे, मैं बिल्कुल भी पार्लर नहीं जाती हूँ। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क ब्राउन है, फिर हाईलाइट करने के बाद कलर ऐसा हो जाता है। बिफोर एंड आफ्टर का पिक दिया गया है। हैं आपको इसे ब्रश कैसे करना है, कैसे अपने बालों को हाईलाइट करना है, मैं इसका एक डेमो तो आपको दे ही दूंगी। पर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ब्रश को आपको एक यहाँ पे ऐसी तरीके से पकड़ना है, आपको रूट से लेके टिप्स तक उसे लेके जाना है, तो आप देखेंगे बहुत ही ईजिली इससे आपके बाल हाईलाइट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी बता देती हूँ। अगर आपके बालों में कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, मतलब आपको किसी चीज़ से भी एलर्जी हो जाता है, तो प्लीज़ ये कलर बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर आप 16 साल के नीचे के हैं तो बिल्कुल ये कलर मत यूज़ कीजिए, ये 16 अबव एज के लिए दिया गया है ये हेयर कलर। एंड अगर आपने कोई भी हिना या तो मेहंदी अपने बालों में लगाया है तो ये कलर बिल्कुल ना करें, आपके बालों में एलर्जी हो सकता है। एंड अगर आपने रिसेंटली कोई भी कलर किया है तो ये हाइलाइटर मत कीजिए, एटलीस्ट आप 3 to 4 month रुक जाइए कलर करने के बाद, तब जाके आप ये कलर कर सकते हैं। इन केस अगर आपने ये कुछ भी पढ़ा नहीं है और डायरेक्टली आपने इसे कलर कर लिया, आपको एलर्जी हो गई है, तो प्लीज़ 24 आवर्स से पहले ही आप डॉक्टर के पास जाएं और इलाज कराएं अपना। सो फ्रेंड्स, आपको इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे पीछे आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लॉरियल पेरिस इंट्रोड्यूस डू इट योर सेल्फ हाईलाइट्स किट फॉर नेचुरल डार्क हेयर। सो आपके नेचुरल डार्क हेयर हैं तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर एक आपको इंस्ट्रक्शंस पेपर भी मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको सब कुछ लिख के आया रहेगा। एंड यहाँ पे आपको एक बाउल लेना है, नॉन मेटेलिक बाउल लेना है। मैं क्या काम करती हूँ, मैं एक कांच का बाउल ले लेती हूँ।
एंड उसके अंदर आपको दोनों कलर एंड डेवलपर दोनों डालना है, आपको दोनों अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको जो इसके अंदर ब्रश दिया गया रहेगा उसको अच्छे से उसके अंदर मिक्स करके डिप करके अपने बालों को टॉप मतलब आपको रूट से लेके टिप तक नीचे के बालों तक एक ब्रश को ऐसे खींचना है। अब फिर आप देखेंगे कि आपके बाल अगर पूरे कवर हो गए हैं तो उसे आप एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक रखिए। उसके बाद आप अपने बालों को कोई भी नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप कंडीशनर यूज़ कीजिए ताकि आपके बाल प्रोटेक्ट रहें। फ्रेंड्स मैं इसे यूज़ करती हूँ, मैं एटलीस्ट इसे लगाने के बाद 2 दिन तक अपने बाल वॉश नहीं करती हूँ। अगर आप फिर मेरे बालों में एक कलर आ जाता है एंड अगर आप नेक्स्ट टाइम वॉश करते हैं तो ये कलर और ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा आपके बालों में। एंड प्लीज़ इसे वॉश करने के बाद अपने बालों में ऑयल बिल्कुल भी ना लगाएं, उससे क्या होता है कलर बहुत जल्दी निकल जाता है, ये मेरा मानना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे ओपन कर लिया है एंड इसके अंदर आपको एक ब्रश मिल जाएगा हाईलाइट करने के लिए। आपको बस आपके टॉप रूट से आपको बस टिप तक जाना है, आपके बालों के नीचे तक जाना है ऐसे ब्रश करते हुए, तो ये बहुत ही आसानी से इससे हाईलाइट हो जाता है। मैंने इसे पहले भी किया है, मेरे बाल बहुत अच्छे से हाईलाइट हुए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये इसके साथ। बहुत ये तो बहुत ही अच्छा है कि इसके साथ ये देते हैं, वरना अलग से आपको एक परचेस करना पड़ता है। सो ये है क्रीम हाईलाइट करने के लिए, ये है उसका डेवलपर मतलब जो उसका पानी होता है, एंड ये आपको एक कंडीशनर मिल जाएगा कलर करने के बाद। आप इसे एक अपने बालों को कंडीशन कर सकते हैं ताकि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएं, आप प्रोटेक्ट रहें। आपको एक एक पेपर भी मिल जाएगा, आपको इसके अंदर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, बताया जाएगा, एक इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, आपको इसमें कैसे यूज़ करना है आपको ये सब इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक बार इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे। सो ये बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इसके साथ ही मुझे ये हैंड ग्लव्स भी मिल गया है। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हाथों में ये कलर लग जाएगा, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसे बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों का अपने बालों का लुक यहाँ पे डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि पहले मेरे बाल कैसे थे, उसके बाद हाईलाइट करने के बाद मेरे बाल कैसे हो गए एंड